कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तवि कर्मणि। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। जो परिश्रम और कठिनाइयों से घबरा जाते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। सफलता पाने के लिए जीवन की कठिनाइयों की चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ता है। भगवान शिव ने भी जब देवराज इंद्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सामने एक अनोखे और कठिन अनुष्ठान का प्रस्ताव रखा और कहा कि संजीवनी मंत्र उसी को मिलेगा जो इस अनुष्ठान को पूरा कर दिखाएगा, तो देवराज इंद्र घबरा गए, किंतु दैत्य गुरु ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सत्य यह है कि किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय और निष्ठा की आवश्यकता होती है, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास थी। भगवान विष्णु ये जानते हुए भी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का उद्देश्य अनुचित है, उनकी निष्ठा देखकर उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। क्या बात है गुरुदेव? हम लोग समस्त दानव लोक की ओर से एक विनती लेकर आए हैं। क्या विनती लेकर आए हो तुम? सोमवती अमावस्या के आरंभ होने में अधिक समय नहीं रह गया है, जो कुछ कहना है शीघ्र से शीघ्र कहो। गुरुदेव, आप इस अनुष्ठान को स्थगित कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, हम सबकी विनती है कि आप इस कठोर अनुष्ठान का निर्णय बदल दें। निर्णय बदल दूं? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये नहीं कह रहे हो कि मैं अपना निर्णय बदल दूं, तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने जीवन का नियम बदल दूं, मैं अपने सिद्धांतों को बदल दूं। तुम ये कह रहे हो
कि मैं शिव शंकर को दिया हुआ वचन तो तुम मेरे पास विनती लेकर नहीं अपने गुरु के लिए अपमान की योजना लेकर आए हो। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। आप तो भगवान हैं, आप हमारे लिए भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। आपके अपमान की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। गुरुदेव, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम आपका अनादर कैसे कर सकते हैं? परंतु जब से आपके इस भयंकर अनुष्ठान के विषय में सुना है, हमारा रोम रोम कांप रहा है। गुरुदेव, मैं संजीवनी मंत्र की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी अनुष्ठान को झेल सकता हूं। हमें वो शक्ति नहीं चाहिए गुरुदेव, जिस शक्ति के कारण आपको अपने प्राण दांव पे लगाने पड़े। और मुझे वो प्राण नहीं चाहिए जो मेरे सम्मान का मूल्य हो, जिसके लिए मुझे सम्मान का त्याग करना पड़े। तुम चाहते हो कि मैं अपने अनुष्ठान को स्थगित करके मैं समस्त जीवन अपनी कायरता का बोझ लेकर अपने कंधों पर ढोता रहूं। तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं देवराज की वो हंसी सुनने के लिए जिसमें मेरे प्रति दया करुणा और व्यंग के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। नहीं शिष्य, नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु गुरुदेव, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। तुमने अपना शिष्य धर्म निभाया, अब मुझे अपना गुरु धर्म निभाने दो। तुम सब इतना ध्यान रखोगे कि मेरे अनुष्ठान में कोई विघ्न ना आने पाए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, आश्रम के चारों ओर कड़े पैरे का प्रबंध कर दिया गया है। और इस स्थान पर तो मैं स्वयं और महाराज काल केतु पारी बदल बदल कर पहरा देंगे। पत्तियों को अग्नि दो काल केतु, Oh!
सचमुच देवराज का ये असीम विश्वास मात्र भ्रम न सिद्ध हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने अनुष्ठान के आरंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, किंतु अवृत हुए का पान इतनी सरलता से कर रहे हैं जैसे कोई शिशु दुग्ध पान करता है। ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है, फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि देवलोक पर कोई महान संकट आने वाला है। निस्संदेह देवराज इंद्र के लिए समस्या अब और गंभीर हो सकती है महादेवी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान यदि सफल हो गया तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनसे सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। बच कर रहे शत्रु रोग अंगार, क्या जाने ये किस घड़ी ले ले क्या आकार, कर ले यदि संकल्प तो दुर्बल भी बलवान, वो कितना नादान है जिसे नहीं ये ज्ञान। शुक्राचार्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भला ऐसा अनुष्ठान किसी मानव के लिए संभव है
देवराज, अच्छा हुआ आप पीछे हट गए। ये अनुष्ठान तो प्राणदान का दूसरा नाम है। एक वर्ष का अभियान है देवराज, यदि एक सप्ताह भी पूरा हो जाए तो समझे चमत्कार हो जाएगा। एक सप्ताह, बस एक सप्ताह में आप सुन लेंगे कि दैत्य गुरु, शुक्राचार्य और उनका अनुष्ठान दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। आज इधर कैसे भूल पड़े? आपके नंदन वन में इतनी सुंदर चर्चा छिड़ी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आनंद मैं भी उठा लूं। यहां तो दैत्य गुरु, शुक्राचार्य और उनके अनुष्ठान की चर्चा हो रही थी। आप तो जानते ही होंगे इस विषय में, आपका क्या विचार है? मेरे विचार की छोड़िए पवन देव, मेरे विचार तो भटकते रहते हैं। अच्छा विचार तो वही होता है जिसे सुनकर राजा प्रसन्न हो जाए, है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप देवर्षि? नारायण नारायण। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवगण, क्योंकि राजा चाहे दानवों का हो, मानवों का या फिर देवताओं का, उसकी दुर्बलता एक ही होती है। किस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहे हैं आप? मैं उस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहा हूं जिसका नाम अंध प्रशंसा है। अर्थात? अर्थात यह देवराज कि हर राजा को वह बात बहुत सुहाती है जिसका आरंभ उसकी प्रशंसा से और जिसका अंत उसके शत्रु की निंदा पर होता है। फिर उस बात में सत्य की खोज वैसी ही सिद्ध क्यों ना हो जैसे एक अग्निकुंड में जल की एक बूंद की खोज। देवर्षि आप कहना क्या चाहते हैं? हे देवराज, मेरे कानों में यहां कही हुई एक बात पड़ी थी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिस अनुष्ठान का संकल्प कर रहे हैं वह किसी मानव के लिए संभव नहीं। यह तो मैंने कहा था देवर्षि। मैं तो केवल यह कहना चाह रहा था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो अनुष्ठान कर रहे हैं वह मानवों के लिए ही संभव है, देवताओं के लिए नहीं। नहीं तो देवराज उस अनुष्ठान से भाग क्यों खड़े होते? मैं ठीक कह रहा हूं ना देवराज? तो क्या दैत्य गुरु अपने अनुष्ठान में सफल हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं देवराज। जो अनुष्ठान के दो दिन कुशलता से बिता सकता है वह पूरा एक वर्ष भी बिता सकता है। दैत्य गुरु के अनुष्ठान का चरम बिंदु संजीवनी की प्राप्ति होगा देवराज, और संजीवनी का मिलना देवताओं के लिए संकट के समय का आरंभ। ऐसा मत कहिए देवर्षि, इसकी तो कल्पना मात्र से मेरे तन में झुरझुरी दौड़ जाती है। मेरे पास आपकी इस झुरझुरी का उपचार तो नहीं है देवराज। हां, आपके लिए यह अशुभ समाचार अवश्य है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान सफलता की ओर बढ़ रहा है। देवर्षि आपने ये क्या किया?
क्या किया मैंने माते? आपने सनसनी फैलाकर समस्त देवलोक में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। सत्य के प्रदर्शन को आप सनसनी कह रही हैं माते? मैंने देवलोक में सनसनी नहीं फैलाई। देवराज इंद्र अपनी अंध प्रशंसा से भ्रमित हो रहे थे। मैंने तो केवल सत्य कहकर उन्हें सावधान करना चाहा था, भयभीत नहीं। माते आप तो जानती ही हैं कि बातें दो प्रकार की होती हैं। पहली वे जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं किंतु सत्य नहीं होती, और दूसरी वे जो भले ही सुनने में अच्छी न लगें किंतु सत्य होती हैं। मैंने देवराज इंद्र से केवल सत्य कहा था, भले ही वह उन्हें सुनने में अच्छा ना लगा हो। समस्या यह है माते कि देवताओं के राजा होते हुए भी देवराज ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो केवल उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। देवर्षि ठीक कह रहे हैं महादेवी, किसी को अपने संकट से सावधान कराना अर्थात अपना धर्म निभाना, फिर वो असावधान व्यक्ति कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि किसी ने मुझे संकट से सावधान ही नहीं कराया। परंतु हे कमल नयन, इस घबराहट में देवराज कोई अनुचित पग उठा ले तो क्या होगा? यही तो देवेंद्र के विवेक की परीक्षा होगी ना महादेवी। इसी से तो सिद्ध होगा कि क्या देवेंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ है या फिर वो अपनी भूल को छुपाने के प्रयास में दूसरी भूल कर बैठेंगे। क्या मलय केतु, ये क्या कह रहे गंधर्वराज चित्ररथ? हाँ देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर तपस्या की कठोरता का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो भय है देवराज कि वो अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। असंभव, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। रक्षिता, रिताजी, ऋतुपर्णा देवराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान सफल हो गया तो समस्त देव और मानव संस्कृति घोर संकट में पड़ जाएगी। शीघ्र धरती पर जाओ और किसी भी प्रकार उनके अनुष्ठान को विफल करो। उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो और उनकी तपस्या में विघ्न डाल दो। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। रक्षिता, ऋताची, ऋतुपर्णा, तुम सब चुप क्यों हो? क्या मैं तुम्हारे मौन का यह अर्थ लूं कि तुम्हें अपने अधिपति की आज्ञा स्वीकार नहीं? हम इतना साहस नहीं देवराज, परंतु 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 क्या? हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भय लगता है। भय? क्यों भय लगता है? दैत्य गुरु महान विद्वान और तेजस्वी हैं, वो हमें श्राप दे सकते हैं। और उनके श्राप से तो कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता। देवराज आप ही नहीं। ये सत्य है, परंतु फिर होगा क्या? क्या हम कुछ भी न कर पाएंगे? क्या हम चुपचाप बैठे शुक्राचार्य के अभियान को सफल होता देखते रह जाएंगे? ये तो महान संकट की घोषणा के समान है। शुक्राचार्य का अनुष्ठान रोकना नितांत आवश्यक है, परंतु कौन करेगा ये कठिन कार्य? कौन कौन रोकेगा ये अभियान? मैं करूंगी पिताश्री, मैं रोकूंगी दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान। जयंती, मेरी पुत्री तुम? हाँ पिताश्री, मैं धरती पर जाऊंगी और शुक्राचार्य का अनुष्ठान विफल कर दूंगी। तुम जाओगी? नहीं नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्यों पिताश्री, क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि तुम मेरी पुत्री हो। और ये अप्सराएं, ये कुछ भी नहीं लगती आपकी, जो सदैव आपके संकेत पर कठपुतलियों की भांति नाचती रही हैं, जो देवलोक के हित के लिए, आपके हित के लिए अपना मान सम्मान न्योछावर करती रही हैं, क्या ये आपकी पुत्रियों के समान नहीं है पिताश्री? क्या समस्त देवलोक आपका परिवार नहीं है? है, निसंदेह है, पर इनमें और तुम में एक अंतर है। क्या अंतर है पिताश्री?
इनका तो उद्देश्य यही है कि ये पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करें। नारी और पुरुष में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है पिताश्री, परंतु ये आकर्षण एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे पर न्योछावर होने के लिए बना है। नारी पुरुष की दुर्बलता नहीं, उसका बल होती है पिताश्री। नारी को मनोरंजन की सामग्री बनाना छोड़ दीजिए और ये मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान कैसे रोकती हूँ। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नहीं पुत्री, नहीं, तुम इन दैत्यों को नहीं जानती। ये वासना के पुतले सौंदर्य और यौवन के पीछे पागल हैं। भूखे भेड़ियों के समान होते हैं ये दानव। तुम्हें वहां जाने की अनुमति देना तुम्हें घोर विपत्ति में डालना होगा। परंतु गुरु शुक्राचार्य तो दैत्य नहीं है, वे दानवों के गुरु अवश्य हैं, स्वयं दानव तो नहीं। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मुझे उनका कोई भय नहीं, मैं किसी भी आपदा को झेल सकती हूँ। हे सर्वेश्वर, ये घटना तो बहुत विचित्र मोड़ ले रही है। अब तो देवराज इंद्र की पुत्री जयंती भी इस भयंकर खेल में कूद पड़ी है। भय महादेवी, भय। जो भी हो रहा है उसका कारण देवराज इंद्र का भय ही है। यदि भूल का आभास समय पर ना हो तो वो भूल एक दिन भय में परिवर्तित हो जाती है। देवराज इंद्र को अब आभास हुआ है कि अपने अभिमान में उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया था। अब उन्हें यह भय भी हो रहा है कि देवराज के हाथ से यह देवलोक की सत्ता छिन जाएगी। सत्ता छिन जाने का भय विवेक को नष्ट कर देता है। परंतु हे नारायण, जयंती को इस भयंकर खेल में कूदने की क्या आवश्यकता थी? इसका कारण भी भय है देवी। जयंती को यह भय है कि कहीं उसके पिता का सम्मान नष्ट न हो जाए। यद्यपि परिवार के सम्मान के लिए परिवार की यह एकता सराहनीय है, परंतु शुक्राचार्य के अनुष्ठान को भंग करने का निर्णय कदापि सराहनीय नहीं है। यह एक अनुचित कार्य होगा देवी। जिस प्रकार एक शिशु को जब अंगारे की चमक आकर्षित करती है तब उसे यह ज्ञान नहीं होता कि अंगारा छू लेने से उसका हाथ भी जल सकता है, उसी प्रकार जयंती को भी आज यह ज्ञान नहीं है कि जिस अग्नि से वो खेलने जा रही है उसकी लपटें उसकी अंतरात्मा को भी छू सकती है। तो क्या जयंती इस खेल में हार सकती है देवेश्वर? हार और जीत में अंतर करना कभी कभी कठिन हो जाता है महादेवी। कोई हार कर भी जीत जाता है तो कोई जीत कर हार जाता है। आप तो बस देखती जाइए कि जयंती अब क्या करती है और कैसे करती है। पुत्री, तुम्हारा निर्णय सर्वथा अनुचित है। क्यों माताश्री, तुम्हें इस भयंकर खेल में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? कारण ये है कि तुम मेरी पुत्री हो, कन्या हो, और कन्याओं को इन बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। माते, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप परिवार के सम्मान को बखेड़ा कह रही है। कुछ भी हो, कन्याओं के लिए कुछ सीमाएं बनाई गई है और उन सीमाओं से बाहर निकलना उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो आप ही यही समझती हैं। कन्याएं दुर्बल और तुच्छ होती हैं। जो काम पुत्र कर सकते हैं वो पुत्रियां नहीं कर सकती, या उन्हें नहीं करना चाहिए। आप भूल रही हैं माताश्री, परिवार की सम्मान की रक्षा केवल पुत्रों का कर्तव्य नहीं पुत्रियों का भी कर्तव्य है। और यदि ना भी होता तो भी मैं ये कार्य अवश्य करती। क्यों? एक उदाहरण बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि कन्याओं को अब आगे होना होगा, वे सारे कार्य करने होंगे जो अब तक केवल पुरुषों के लिए सीमित समझे जाते थे। पुत्री, तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति को नहीं जानती। और माताश्री, आप मेरी क्षमता को नहीं जानती। मुझे अनुमति दीजिए।
मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। जो कार्य तुम कर रहे हो वो तुम्हारा नाम संसार में अमर कर देगा। धन्य हो तुम पुत्र, तुम्हारा प्रयत्न सफल हो, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। इसके लिए मैंने भी आज से अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया है। जब तक तुम्हारा अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तब तक ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, वो सदैव तुम्हें बल प्रदान करेगा। महादेवी, जानती हैं सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य क्या होता है? हाँ कमल नयन, वो दृश्य जिसे देखकर आपका मुख पुष्प की भांति खिल उठता है, वही दृश्य जो हमने अभी देखा। आपने ठीक कहा महादेवी, आपने मेरे मन की बात कह दी। जब मां अपने पुत्र का दुख बांटने का प्रयास करती है तो मुझे लगता है कि सृष्टि का निर्माण निरर्थक नहीं था। लगता है जैसे सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो गया हो। हे कमल नयन, माता और संतान का संबंध सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संबंध है। इतना शक्तिशाली संबंध तो पिता और पुत्र का भी नहीं होता। पुत्र पिता का अंश अवश्य होता है, किंतु माता का तो पुत्र विस्तार होता है। इसीलिए तो माता अपने पुत्र का दुख देख नहीं पाती। पुत्र का दुख, पुत्र का कष्ट माता के लिए स्वयं उसी का दुख, उसी का कष्ट बन जाता है। हाँ महादेवी, आपने माता और पुत्र के संबंध को एक सुंदर परिभाषा दे दी। सत्य कहा आपने, माता अपने पुत्र के कष्ट को अपना ही कष्ट समझती है। जिस प्रकार घटा धरती पर बरसने के लिए व्याकुल रहती है, जिस प्रकार एक पुष्प वातावरण में अपनी सुगंध फैलाने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार एक माता भी अपने पुत्र पर हृदय का सारा प्रेम लुटाने के लिए व्याकुल रहती है। ममता इस सृष्टि की सुंदर भावना है। धन्य है ये माता, मैं ऐसी माताओं को प्रणाम करता हूं। कौन हो तुम? मैं गुरु शुक्राचार्य की शिष्या हूँ श्रीमान। हिमालय पर तपस्या करती हूँ। मुझे समाचार मिला कि मेरे गुरु अपने जीवन को दांव पर लगाकर अनुष्ठान कर रहे हैं, तो मैं उनके दर्शन को चली आई। दर्शन कर लिए, अब लौट जाओ। हाँ दैत्यराज, गुरु के दर्शन से तो मैं धन्य हो गई, परंतु अब क्या चाहती हो तुम? गुरुदेव अनुष्ठान में भाग लेने के उद्देश्य से मैं थोड़ा सा चंदन साथ लाई थी। आप अनुमति दे दे तो इसे अग्नि में डाल दूं। जो करना है शीघ्र करो और यहां से तुरंत चली जाओ।
मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो एक वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर जल और अन्न त्याग कर केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे पूरे एक वर्ष। देवी होकर स्वर्ग की किया नीच व्यवहार मन से बाहर आ गया मन का हाहाकार जाने अनजाने हुआ उससे जो यह पाप कैसे होगा दूर अब मन का यह संताप मन का यह संताप जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान पाएगा सुख पथ पे चल